देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। आप बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कारण पटाखे जले। निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह से, भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो, किसी ने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से, मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले, दोनों ने इसे लेकर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन था। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि लटियन दिल्ली में देर रात तक 2 बजे तक पटाखे जलते रहे। साकेत गोखले ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कि इसको इम्प्लीमेंट कराना, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है, तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है, तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। जी, आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह गई, क्योंकि पहले से जागरूकता अभियान भी चल रहा था, आप लोग भी लगातार अपील कर रहे थे? नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने, अपने आप लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। आज आपने रिव्यू मीटिंग बुलाई है पूरे मामले परिदृश्य को लेकर, क्या कुछ चर्चा होगी? नहीं, अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पर आज समीक्षा करेंगे। आपने कहा था ऑडिबेन को लेकर दिवाली के बाद समीक्षा बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या उस पर चर्चा होगी और आपको लगता है कि उसकी जरूरत है अभी? वो सारी परिस्थितियों पर चर्चा करें। दिल्ली ऐसे ही बहुत परेशान है, क्योंकि दिल्ली को फायर क्रैकर्स से मना कर दिया गया, बच्चे युवा दिवाली पे थोड़ी खुशियां मनाने का उनका एक तरीका होता है। मेरा मानना है कि फायर क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे भी ना के बराबर बजे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां जिनके आप नाम ले रही हैं, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए, इनका दर्द है कि सत्य सनातन के लोग अपने त्योहार न मना सकें। आप देखिए, आज के 2 दिन पहले बारिश हुई, उस बारिश के पहले कितना एक्यूआई था दिल्ली का,
और आज कितना है, उससे कम है। इसका मतलब जो भी कारण दिल्ली में पोल्यूशन कर रहे हैं उनको बीच की बारिश ने, उसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं, वो छठ माई की कृपा हो सकती है, वो भगवान की कृपा हो सकती है, राम जी की कृपा हो सकती है कि दिवाली के पहले उन्होंने खुद इसका निदान ढूंढा, बारिश हुई जहां कृत्रिम बारिश कराने की बातें चल रही थी। अब उसके बाद भी क्या बारिश के पहले के एक्यूआई से ज्यादा एक्यूआई है? नहीं। तो फिर जो कारण पोल्यूशन दे रहे हैं वो बारिश के कारण तीन चार दिन बंद रहे, फिर उसके असर को आज फिर से देखेंगे, कल फिर देखेंगे, तो फिर इसमें दिवाली की अगर कुछ कहीं पटाखे बजे भी होंगे तो उससे कहां नुकसान, कितना बड़ा नुकसान आया है, ये समीक्षा की बात है। कई बार लगता है गोपाल राय मंत्री नहीं है, पर्यावरण मंत्री, वो प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। अरे गोपाल राय, तुम्हें आगे बताना चाहिए कि हमने प्रदूषण को रोकने का ये उपाय किया है। आप तो सूचना देने आते हो। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, अगर उसके लिए आप दीपावली को दोषी ठहरा रहे हो तो आप ध्रुवीकरण की राजनीति से खेल रहे हो। आप एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। 4 नवंबर को दिल्ली के आनंद विहार में AQI 498 था, लगभग 500, आज है 240 दिवाली के पटाखे जलने के बाद। तो 4 नवंबर को पटाखे अरविंद केजरीवाल ने जलाए थे, जो 500 प्रदूषण था वहां पर 500 AQI था। जवाब दें गोपाल राय, पिछले एक महीने से पूरा उत्तर भारत पराली के धुएं से आंखें अपनी जला रहा है, गले में जलन महसूस कर रहा है, लोगों का सांस लेने में दम फूल रहा है। तब पटाखे जलाए थे क्या किसी ने? प्रदूषण के मुख्य कारणों पर जब तक नहीं जाएंगे, उसके लिए ठोस उपाय नहीं निकालेंगे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार, और जब तक पंजाब की पराली से बचने की कोशिश करेंगे तब तक दिल्ली की समस्या बनी रहेगी। इन लोगों को यह बात समझनी चाहिए। बाकी जो राज्य है आजू बाजू के दिल्ली के, उनपे भी मैंने कहा ना, अपनी असफलता छुपाने के लिए आप किसी पे भी दोष डालिए। यमुना में बाढ़ आ जाए तो पड़ोसी राज्य दोषी, यमुना में पानी कम है तो पड़ोसी राज्य दोषी, यमुना में दिल्ली में धुआं आ जाए तो पड़ोसी राज्य दोषी। तो भाई तुम लोग यहां ताली बजाने के लिए आए हो क्या? अरविंद केजरीवाल बताएं मुझे, बिना विभाग का मुख्यमंत्री दिल्ली में कर क्या रहा है? उसके पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। आगे प्रश्न ये रहेगा कि मनीष तिवारी हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने भी जो एयर पोल्यूशन है उसके ऊपर बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी या ऑर्डर था वो फ्लाउट किया गया है और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो काम नहीं कर पाई, ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। देखिए मनीष तिवारी को भी कम से कम ईमानदारी से पंजाब की पराली पर बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनका भी संबंध वहीं से है तो पंजाब की पराली के धुएं पर न अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, न कांग्रेस, न मनीष तिवारी बोलेंगे। दिल्ली वाले दम भरते हैं, सांस घुटती है, घुटती रहे, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद जब तक ये ठोस उपाय लेकर नहीं आएंगे तब तक दिल्ली में धुआं कम नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के 9 साल का शासन असफलता का शासन है, भ्रष्टाचार का शासन है, झूठे आश्वासनों का शासन है। दिल्ली उनके राज्यकाल में सुधर नहीं सकती।